अयोध्या विवादः पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दान अपेक्षा का दिया यह आदेश निर्देश। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने अयोध्या मसले पर सुनवाई की। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 3 महीने में सभी दस्तावेजों के अनुवाद करा लेने का निर्देश दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 5 दिसंबर से करेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुवाद का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने कहा कि मूल ऐतिहासिक दस्तावेज संस्कृत, पाली, उर्दू, अरबी और दूसरी भाषाओं में हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से अभी सुनवाई शुरू नहीं करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट में 523 दस्तावेजों का परीक्षण हुआ था। वे दस्तावेज प्रतिवादिया की ओर से पेश किए गए थे, इसलिए इनका अनुवाद उनके द्वारा कराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि हमें उनका अनुवाद कराने में 4 महीने लगेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 7 सालों से क्या कर रहे थे, हम अनुवाद के काम पर नजर रखेंगे और उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अनुवाद की औपचारिकता पूरी करने के लिए इसे वापस रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजा जाएगा। सुनवाई के दौरान ही अनुवाद का काम चलता रहेगा। जो पक्षकार दस्तावेज पेश करेगा उसे अनुवाद भी देना होगा और अगर अनुवाद पर विवाद हुआ तो उसे विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक बार हमारी अर्जी सुन ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद आपको भी मौका मिलेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पूजा का अधिकार मौलिक अधिकार के दायरे में आता है, इसलिए उस पर सबसे पहले कोर्ट विचार करे।